हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवेटेड ज्वाइंट का डिजाइन और इसमें फेलियर किस किस तरह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिवेटेड ज्वाइंट किस तरह का होता है। तो हमारे पास ये होती है प्लेट एक, ठीक है, तो इस तरह से एक प्लेट है और दूसरी प्लेट मेरी यहाँ ऊपर लगी हुई है यहाँ पे, और इन दोनों को मुझे आपस में जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स को मुझे आपस में जोड़ना है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिवेटेड ज्वाइंट लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहां पे मैं लगाता हूँ रिवेटेड ज्वाइंट, लगाता हूँ रिवेट, लगा देता हूँ। तो ये रिवेट इसको क्रॉस करके यहाँ जाएगा और दूसरी तरफ से भी इसका हेड बन जाएगा और ये यहाँ पे हेड बन जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये रिवेट बन जाएगा। तो रिवेट जो होता है ना, एक परमानेंट ज्वाइंट माना जाता है क्योंकि इसको तोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। जब भी आपको, ये नहीं है नट और बोल्ट है, जैसे ये एक टेम्परेरी ज्वाइंट है, जब भी आपको खोलना है नट और बोल्ट को अलग अलग कीजिए और आपका ज्वाइंट खुल जाएगा। लेकिन यहां नहीं है, रिवेटेड ज्वाइंट में सीधा सा भाई रिवेट तोड़ो तभी तो हमारी प्लेट्स अलग अलग होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, ठीक है, सिंपल सी बात है इसकी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि किस तरह से फेलियर हो सकते हैं, कि हमें वो फेलियर का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उस चीजों का ध्यान रख लें अगर, तो हमारा ये रिवेट कभी फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें फेलियर से बचाना ही मकसद है, इंजीनियर का मकसद यही होता है कि कस्टमर को ऐसी चीज बना के देना कि उस पर वो विश्वास कर सके, ठीक है। अगर रिवेटेड ज्वाइंट कहीं पे लगा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह होती है ऊंची हाइट पे, वहां पे बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो जिस ट्रॉली पे खड़ा है, जिस जगह पे खड़ा है, वो रिवेटेड ज्वाइंट से ही जुड़ा हुआ है और उसको भरोसा है कि जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया है, इसके रिवेट बनाए हैं, इसको बोला गया कि यहां रिवेट लगने हैं, किस डायमीटर के लगने हैं, किस तरह से लगने हैं, उन्होंने सही डिजाइन बनाया, तो इस विश्वास से वो ऊपर खड़ा हो जाता है। तो वो विश्वास हमें कायम रखना है, इसलिए हमें यह पढ़ना है रिवेटेड ज्वाइंट। अब इसमें अलग अलग तरह के फेलियर हैं और सबसे पहले हमें डायमीटर रिवेट का डिसाइड करना पड़ता है कि डायमीटर कितना हो रिवेट का। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लो 6√T। टी क्या होती है इसकी थिकनेस, प्लेट की, प्लेट की थिकनेस जो है टी है, वो यहां रखेंगे, अंडर रूट करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायमीटर जो आएगा वो रिवेट का डायमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता तो होगा ना प्लेट कितनी मोटी है जिसको हम जोड़ना चाहते हैं। पतली सी मान लो प्लेट है, आप मोटा सा रिवेट लगा दोगे तो वो तो वैसे ही टूट जाएगी, तो ऐसा नहीं है ना, हमें भी देख के ही काम करना पड़ता है किस हिसाब से थिकनेस है। जैसे इवन कील लगाते हैं ना जब लकड़ी में, तो हमें पता होता है कि यार ये पतली सी लकड़ी है तो इसमें पतली कील लगेगी, ये मोटी लकड़ है उसमें मैं कहूँ पतली सी कील पकड़ा दूंगा, आप बोले पतली सी कील और मोटी लकड़ है पूरी, इतनी मोटी लकड़ है, इतनी पतली सी कील पकड़ा दी आपको, लगा ले, आप कहोगे यार ये क्या कर रहे हो। तो हमें पता होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता कितना, हम तो एक आइडिया से लगाते हैं, चल यार ये लगा देगी, ये नहीं है चल दूसरी दे दे, लेकिन इसमें नहीं हम कर सकते, हम एक फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं कि ये डायमीटर कितना आएगा, समझिए। अब आते हैं इसके फेलियर किस किस तरह से हो सकते हैं, किस किस तरह से ये फेल हो सकता है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा कि ये एक एज से टूट सकता है। एज से मतलब ये यहां से कितनी दूरी से लगाएं, जब रिवेट लगाएं तो कितनी दूरी पे लगाएं, तो इसको हम कहेंगे मार्जिन, मार्जिन, ये मार्जिन रखना बहुत जरूरी है, मार्जिन रखना बहुत जरूरी है। इसका क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला है और ये मार्जिन क्या होगा कि मान लो कि ये हमारे पास प्लेट है तो मैं रिवेट कहां लगाऊं, ठीक है, ये मार्जिन कितना रखूं, तो वो मार्जिन कितना रखना है। तो मान लो कि मैं इस प्लेट में से होल जो कर रहा हूं यहां की बजाय मैं बिल्कुल यहां पे कर देता हूं, मान लो कि मैंने यहां पे होल कर दिया तो वो बहुत कम जगह छोड़ी उसके साथ, ठीक है, एज के साथ बहुत कम जगह छोड़ी। अगर मैं कम जगह छोड़ूंगा तो यहीं से टूट जाएगा, यहां से तो यहां पे मेरे पास दो प्लेट्स हैं और दो रिवेट लगे हुए हैं, ठीक है, छोटा सा मॉडल बनाया है ताकि आपको इजी वे से समझ आ सके, ठीक है।
अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं, देखिए तो ये रिवेट भी तो टूट सकते हैं ना। देखो इसकी रिवेट की कंडीशन देखना, देखो तो मैं अगर जोड़ा सा जोर लगाऊं तो रिवेट टूट सकते हैं ना। तो ये जो रिवेट फेलियर हो रहा है ये सिंगल शीयर में हो रहा है, ये याद रखें। सिंगल शीयर मतलब ये वाला रिवेट अपने जगह पे सिंगल शीयर में, और ये वाला रिवेट जो है वो अपनी जगह पे सिंगल शीयर में हो सकता है, तो फेलियर हो सकता है। तो इसका कुछ इस तरह से होगा कि ये मेरे पास मान लेते हैं कि प्लेट ऐसे लगी हुई है, इसका ये वाला व्यू देख लेते हैं इस तरफ वाला। तो मेरे पास एक और प्लेट है यहां पे, और ये रिवेट लगा हुआ है मेरे भाई यहां पे, ये लगा हुआ है। तो देखो इधर खींचा इधर खींचा, तो ये कैसे टूट सकता है, यहां से टूट सकता है ना, बीच में से रिवेट रिवेट टूट सकता है। तो वो कुछ इस तरह से टूट सकता है कि एक ने इधर खींचा एक ने इधर खींचा और ये गया। तो ये जब टूटेगा, अगर रिवेट गोल है, रिवेट गोल है तो टूटने के बाद किस तरह का दिखेगा, इस तरह से गोल, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से ऊपर रह जाएगा और नीचे वाला नीचे रह जाएगा जी, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लेना पड़ेगा हमें। ये क्या है, फेलियर ऑफ रिवेट, फेलियर ऑफ रिवेट इन सिंगल शीयर, ये सिंगल शीयर में हो रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा, शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, लोड पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब डी किसका, डायमीटर ऑफ रिवेट, सिंपल। अभी देखो एक और अगर इसमें प्लेट लग जाए, तो मैं इसको एक और प्लेट के साथ जोड़ता हूं, मान लो यहां पे जोड़ देता हूं। तो यहां पे हमारे पास ये प्लेट जुड़ रही है, तो अगर तीन प्लेट आ जाए, तो तीन प्लेट में क्या होगा कि ये इधर से खींचा जाएगा, ये इधर से, इसको देखो तो ये यहां से खींचे जा रहे हैं, देखो तो ये डबल शीयर में आ रहे हैं। तो ये जो रिवेट है हमारे पास, ये यहां से भी टूट सकता है और यहां से भी टूट सकता है, देखो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दो जगह से ये टूट सकता है, ये इधर से खींचेगा, ये इधर से, ये इधर से, तो ये यहां से भी फेल हो सकता है, यहां से भी फेल हो सकता है, लेकिन फेल वैसे का वैसा ही होगा। इसमें फर्क क्या होगा कि ये देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया बस डबल कर देना हमने, एरिया टू टाइम्स कर देना, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये डबल शीयर में हो गया। ये लैप ज्वाइंट जो है, ये देखिए दो प्लेट्स हैं इसमें, लेकिन इसमें तीन प्लेट्स हैं, तो ये डिफरेंस है। यहां पे सिंगल शीयर होगा लेकिन यहां पे डबल शीयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट समझने वाला हमारे पास है टेयरिंग ऑफ प्लेट्स अक्रॉस अ रो ऑफ रिवेट्स। देखिए कहता है कि प्लेट अगर कमजोर हुई, रिवेट आपने स्ट्रांग बना दिए, लेकिन अगर आपकी प्लेट कमजोर हुई, प्लेट का मटेरियल सही नहीं है, प्लेट की थिकनेस सही नहीं है, तो वो वहां से टूट गई, फिर तो उसको भी बचाना पड़ सकता है। तो हमें उसके लिए डिजाइन सोचना पड़ेगा कि कहां से टूट सकती है, कैसे टूट सकती है। देखो मैं मान लो इस तरह से खींचता हूं, तो इसका डर ये है कि ये यहां से भी तो टूट सकती है, यहां से, समझ रहे, तो ये यहां से अगर टूट सकती है तो इसको बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही चीज सिंपल से समझने वाली है कि देखिए पहला पॉइंट है पिच। अगर आपको पिच समझ आ गया तो बहुत समझ आ गया। पिच होता है मेरे भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, एक रिवेट के सेंटर से लेके दूसरे रिवेट के सेंटर का तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं पिच। तो अगर ये यहां से टूट गया, प्लेट यहां से टूट गई, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो किस तरह से आएगी। मैं मान लो कि इसी प्लेट को देखता हूं कि ये टूट सकती है, तो मैं इस चीज को तोड़ के देख लेता हूं। तो ये जब टूटेगा तो ये कहां से टूटेगा, यहां से, ठीक है। तो मैं यहां से तोड़ लेता हूं इसको, देखो अगर ये खींचा जाएगा ना, रिवेट खींच रहे हैं तो खींचते 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 यहां से टूट जाएगा, देखो ये यहां से जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये यहां से गया, ठीक है मेरे भाई। ये कितना कटा मेरे पास, सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है कि मुझे चाहिए ये जितना एरिया रेजिस्ट कर रहा था वो मुझे चाहिए, तो वो कितना है, रेजिस्ट करने वाला सिर्फ इतना है ना,
ये है जो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्ट कर रहा है, ये दूसरा एजेस वाली बात दूसरे पर साइड है, मार्जिन वाली है। आप इस तरफ देखो तो वो मार्जिन छोड़ने वाली बात होती है, जो मैंने मार्जिन बोला था ना स्टार्टिंग में, वो मार्जिन वाली। इसलिए यहां से सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर रिविट ज्यादा होंगे तो वहां पे भी, अगर मेरा एक रिविट, दो रिविट, तीन रिविट होता तो बीच वाली दो जगह बन जाती हमारी, ठीक है। तो मैं एक का समझा रहा हूं, बाकी का सिंपल है। तो मेरे भाई यहां से ये वाला सिर्फ एरिया लेना, देखो लंबाई चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो मुझे पता है कि थिकनेस है टी, प्लेट की थिकनेस है यहां से लेके यहां तक थिकनेस है बस, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रंग अलग कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, ताकि आपको पता लग सके कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो टी तो इसकी थिकनेस है, तो ये कितना है। इसके लिए बड़ा ही इजी है कि हमने ये देखा था कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है पी, पिच। लेकिन मेरा टूटा कितना है, टूटा तो सिर्फ इतना है यहां से लेके यहां तक। ये एरिया तो, ये जगह है जो लेंथ, ये तो टूटी नहीं, ये तो पहले से कटी हुई थी ना, रजिस्ट तो कर नहीं रहा है। ये है देखिए, यहां से लेके यहां तक का रेडियस है, ठीक है। ये यहां से यहां तक का रेडियस है, किसका रेडियस है, ये रेडियस है रिवेट का। और ये यहां से लेके यहां तक का जो है वो डिस्टेंस है रिवेट का रेडियस। रेडियस और रेडियस, दो बार रेडियस, टू आर क्या होता है, डायमीटर किसके बराबर होता है, टू आर के। तो पिच में से दो आर माइनस कर दूं, पिच में से टू आर माइनस कर दूं, टू आर माइनस करने का मतलब, पिच में से टू आर माइनस करने का मतलब क्या हुआ, पिच माइनस डी, पिच माइनस डी। तो ये आ गया पिच माइनस डी, ये आ गया। लेकिन ये तो लंबाई यही है, थिकनेस क्या है, ये चौड़ाई है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई इंटू टी, ये क्या आ जाएगा, एरिया जो टूटेगा, रेजिस्ट करेगा। और ये किसमें टूटा था, ये था टेंसाइल में। तो टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया या लोड पर यूनिट एरिया। एरिया इस साइड आ जाएगा, एरिया वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, और एरिया का फॉर्मूला क्या था, पी माइनस डी इंटू टी, सिंपल है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, इजी है ना। मुझे लगता है कि आपको अब तो इजी लगना चाहिए, अभी इजी नहीं लग रहा तो आप मुझे कमेंट में बताओ यार कि सर नहीं, मजा नहीं आया पढ़ने में, ठीक है। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में और समझ आ रहा है तो कमेंट में मुझे चाहिए कि हाँ सर समझ आ रहा है। ऐसे नहीं पता लगे मैं लगा हूं पढ़ाने और पता लग रहा है किसी को समझ आ नहीं रहा, तो फायदा क्या उस चीज का पढ़ाने का। तो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता लगे, समझ आ सके, ठीक है। नहीं तो कॉलेज में भी पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज में हमारे पास कई बार छोटा सा ये मॉडल है, और ये मॉडल भी हमें बना के नहीं दिखाया जाता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉलेज में दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो, सबको सिखाना चाहते हो और खुद भी कुछ सीखना चाहते हो, तो छोटे छोटे मॉडल बना के रखो और उसी मॉडल से इस वाक्य को भी समझाओ। लास्ट है हमारे पास क्रशिंग ऑफ रिवेट्स, क्रशिंग ऑफ रिवेट्स। तो रिवेट की क्रशिंग होगी, क्रश होने से क्या हो जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी। अगर शेप बदल गई और वो फिट नहीं हुआ अंदर, तो फेलियर मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, फेलियर है जो अपना काम ना कर सके, ठीक है। तो जो अपना काम ना कर सके तो वो भी फेलियर है। तो हम क्या करेंगे कि फेलियर देखेंगे रिवेट का। अब रिवेट मेरे भाई अगर मान लो ये इस तरह दबाया गया और रिवेट क्रश हो गया, रिवेट क्रश होने का मतलब क्या है, मैं एक में करके दिखाता हूं आपको और दूसरे का आपको समझ आ जाएगा। ये रिवेट अगर क्रश होता है तो क्रश किस तरह से होगा, ये पूरा दबाया जाएगा ना, दबाया जाएगा। तो मैं कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक दबाया गया, ठीक है, ये दबाया गया यहां से लेके और यहां तक ये दबाया गया, ये कितना एरिया इसका दबा, ये है अगर हमें पता लग जाए फिर। तो रिवेट हमारे पास ये इतना है, ठीक है, ये रिवेट इतना है हमारे पास, लेकिन ये इसका कुछ पोर्शन ही दब रहा है, सिर्फ इतना है जो दब रहा है, क्रश हो रहा है। और वो कितना होगा, देखो मेरे भाई
ये दबा कौन रहा है, प्लेट। तो प्लेट यहां से लेके यहां तक जो है वो दबा रही है, तो इसकी थिकनेस होगी टी, टी इसको दबा रही है। और इसका देखो डायमीटर पूरे का पूरा दब रहा है, पूरा डायमीटर टच में आ रहा है। तो ये जो डायमीटर इसका रिवेट का है वो, अब वो लेना पड़ेगा हमें। तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है अगर सामने से देखें, तो हमारे पास ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा डी इंटू टी, एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्रशिंग किस तरह से हो रही है, क्रशिंग हो रही है वही लोड पर नेट एरिया, एरिया इस साइड आ जाएगा, एरिया आ जाएगा डी इंटू टी इजिकल टू पी। लेकिन हमारे पास अगर एक नहीं ज्यादा रिवेट है तो जितने रिवेट होंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन नंबर ऑफ रिवेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, एन लिख देंगे और रिवेट जितने होंगे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतने रिवेट हमारे क्रश हो रहे हैं, क्योंकि सब बांटेंगे ना लोड को। एक रिवेट है तो सारा लोड उसको जाएगा, अगर दो रिवेट है तो दो रिवेट उसको लोड उठाएंगे, अगर तीन है तो तीन, तो वो इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये अगर हमारे पास रिवेट है, ये रिवेट है और इस रिवेट के इस पार्ट को अगर हेड कहते हैं तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को आपने बताना है कि इस पार्ट का नाम क्या है। तो ये था डिजाइन रिवेटेड जॉइंट का। अगर आपको समझ आया तो इस गोल बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, ठीक है। और मेरे से जुड़ने के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट, तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी।